नमस्कार अपराह तीन टार अपडेट खबर सह आपको स्वागत करुच्छी मुझ शक्ति बुलेटिन को बढ़ेगा कि प्रथम आस देखे ना कौन रही हेडलाइंस विश्व परिवेश दिवस स्वतंत्र कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के विभिन्न विभाग मंत्री सामिल विभिन्न राज्यर चाषी मोदी आलोचना जैविक पद्धति चाष कम को गुरुत्व इथानल उत्पादन और वितरण वृद्धि पर फोकस पदरे पड़ा बिजेडी कंदल मुहांमुही ढेंकेनाल सांसद पल्लहड़ा विधायक सांसद पहुंचा पूर्व विधायक कोविड सेंटर उद्घाटन करने उत्तेजना उभय नेता समर्थकों जुक्ति तर्क केन्द्रापड़े राज्य विद्युत ठिकादार संघर प्रतवाद टीपीसीओडीएल निर्वाही जंत्री कार्यालय सम्मुखें कंपानी सीओ को घेरिले कर्मचारी राज्य विद्युत विभाग को टाटा पावर नेबा पर ठिकादार को कार्य निवृत्त करेर लगातार कमुची संक्रमण 58 दिन पर सबुठ कम आक्रांत चिह्नट दिनक 1,20,000 संक्रमित गोटे राज्य में आउ 7,395 पॉजिटिव 24 घंटे गला आउ 40 जन जीवन ठिक समय ओडा छुईपा दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु 11 तारीख में उत्तर बंगोपसगर आखपाख अंचल सृष्टि लघुचाप मौसुमी को लघुचाप सक्रिय करने नहीं आईएमडी डीजी सूचना विश्व परिवेश दिवस अवसर में आयोजित स्वतंत्र कार्यक्रम में सामिल हेले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में विभिन्न विभाग मंत्री उपस्थित थे केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान प्रकाश जावड़ेकर नितिन गडकरी प्रमुख उपस्थित थे विभिन्न राज्यर चाषी प्रधानमंत्री आलोचना कर जैविक चाष को नहीं प्रधानमंत्री अनुभूति बांटी चाषी चाष कम लगी महिला चाषी को मोदी प्रशंसा कर जैविक पद्धति चाष करने को चाषी को प्रधानमंत्री परामर्श देते जैविक पद्धति चाष कले माटी मा सुरक्षित रटर उर्वरता बजाय रहाद्वारा चाष कम भल होसहित इथानल उत्पादन और वितरण वृद्धि उपरे मोदी गुरुत्वारोप करते पुनेर इथानल वितरण स्टेशन शुभारंभ कर प्रधानमंत्री इथानल उत्पादन प्लांट तैयारी इथानल चाषी को अधिक लाभ मिलूँ तेल कंपानीगुड़िक 21,000 कोटी इथानल क्रय कर सौर शक्ति क्षेत्र में आग को बढ़ुच्च भारत 20% इथानल मिश्रित पेट्रोल बिक्री लक्ष्य रखाई भारत उपरे विश्वर भरोसा बढ़ी चूली जल्वा कमिबा द्वारा परिवेश प्रदूषण कमी महिला स्वास्थ्य अवस्था उन्नति आसी प्रधानमंत्री भारत दुनिया के टॉप 10 कंट्रीज में दुनिया के प्रमुख 10 देशों में आज उसने अपनी जगह बना ली है साथियों क्लाइमेट चेंज की वजह से जो चुनौतियां सामने आ रही हैं भारत उसके प्रति जागरूक भी है और सक्रियता से काम भी कर रहा है हम एक तरफ ग्लोबल साउथ में एनर्जी जस्टिस के प्रति संवेदनशीलता और ग्लोबल नॉर्थ के उत्तरदायित्वों के हिमायती हैं तो दूसरी तरफ अपनी भूमिका का निर्वाहन भी पूरी गंभीरता से कर रहे हैं भारत ने एनर्जी ट्रांजिशन का एक ऐसा मार्ग चुना है जिसमें हमारी नीतियां और निर्णयों में हार्ड और सॉफ्ट कंपोनेंट्स को दोनों को बराबर महत्व है अगर मैं हार्ड कंपोनेंट की बात करूं तो भारत द्वारा तय किए गए बड़े बड़े लक्ष्य हो उन्हें लागू करने की अनप्रेसिडेंटेड स्पीड हो ये दुनिया बहुत बारीकी से देख रही है 6-7 साल में रिन्यूएबल एनर्जी की हमारी कैपेसिटी में 250% से अधिक की बढ़ोतरी हुई है ये बताइए कि आप खेती में वो कौन सी चीजें करते हैं जो कुछ नयापन है और देश के लोगों को जानना अच्छा लगेगा नमस्ते जी
नमस्ते। मैं पुणे में मावल तालुके में रहता है। मैं खेती में चावल, चना, बटर, सोयाबीन, मूंगफलिया और सब्जी में बोलो तो सब हर सब्जी में लेता है। भिंडी, मिर्ची, वांगी, गवार, ये सब सब्जी लेता है मैं। और उसमें है ना, मैं सबसे ज्यादा अपना जैविक खाद्य यूज करता है। नोबेल एक्सचेंज चलेगा में प्लांट है गैस का, बायोगैस का, उधर से मेरे से सैंपल में प्रयोग करने में वो कंपनी मेरे को ये देता है। मैंने अभी बोलो तो 2-3 साल वही यूज करा है। अच्छा, आपके इलाके में इथेनॉल पर भी काफी प्रयोग हुए हैं और इथेनॉल और दूसरे बायोफ्यूल का लाभ भी वहां पर किसानों को मिलने लगा है। आप उसके साथ कैसे जुड़े हैं, आपको क्या लाभ हो रहा है? उसके बारे में मेरे को कुछ मालूम नहीं, पर मैं खाद्य के बारे में बता सकता है। मैं कई शेतकड़ी है जिसके लिए मैं वही जैविक खाद्य लेके यूज करता है। पूरी तरह जैविक करते हैं? हाँ, पूरा जैविक। मैं कैसे खाद तैयार करते हैं या बाहर से लाते हैं? नहीं, पहला कहता था तो अपने इतना ये नहीं मिलता था ना, अभी इधर मिल रहा है चलेगा में, उधर से मैं लेके जाता है। अच्छा, वो गैस बनाने के लिए दे देते हैं, गैस बना ले और उनके जरिए हमको खाद मिलता है। खाद मिल जाता है आपको? तो अभी आपको ये केमिकल फर्टिलाइजर का कोई खर्चा नहीं होता है? नहीं सर, नहीं होता है। तो कितने किसान होंगे जो इसका फायदा उठा रहे हैं? अभी तो लोकल ज्यादा उठा रहे हैं। अच्छा, जो पीछे इतना बड़ा प्लांट मुझे दिख रहा है प्रजापति जी, ये जी सर, बनने के बाद आपके और इस इलाके के जीवन में क्या फर्क आया? अरे सर, बहुत ज्यादा फर्क आ गया। पहले वो ढेर रह रहा होता था कचरे का, वो बहुत कम हो गया है। हमारे वहाँ पे भी जो ढेर रखना पड़ता था, जैसे मैंने बनाना प्लांट किया है, बनाना काटने के बाद जो भी वेस्ट रहता था वो हम कहाँ डालें, वो भी कंफ्यूजन रहता था। इसके जरिए, ये प्लांट के जरिए हम सब कुछ यहाँ भेज देते हैं और ये बायोगैस निकाल के हमको खाद के रूप में वापस देते हैं। सर जी, देखिए, हमारे यहाँ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने एक अच्छा काम किया था। जब मैं वहाँ आपके यहाँ काम करता था तो ये जो केला उतरने के बाद ये जो इसका वेस्ट होता है उसको अगर छोटे 6-6 इंच के टुकड़े करके उसको जमीन में अगर गाड़ देते हैं तो 90 दिन तक पानी की जरूरत नहीं पड़ती, इतना पानी उसमें होता है। 90 दिन तक पानी दूसरी फसल के लिए काम आ जाता है। वो ऐसे ही जमीन में वो 6-6 इंच का टुकड़ा करके गाड़ दिया, कभी प्रयोग करिए, बहुत फायदा होता है। और फिर वो भी फर्टिलाइजर में भी चला जाता है, तो आपको एक अतिरिक्त फायदा हो सकता है। देखिए भाई, आपका तो ये प्लांट इतना बड़ा है और इतनी बड़ी मात्रा में, कुल कितने पशु का ये गोबर इसमें इकट्ठा होता होगा डेली? सर, इसमें डेली हम 40 से 50 मेट्रिक टन गोबर डिस्पोज करते हैं। कितने गांवों से इकट्ठा करते हैं? करीबन 20 से 25 गांव के आसपास। 25 गांव से? और कितने पशु का होता होगा? खंबा तक करीबन 1500-2000 पशु। 2000 पशु का गोबर, वहां सफाई भी हो जाती है और आपके यहाँ आ जाता है। और आपका गैस कहाँ कहाँ बिकता है? सर, अभी हमने सतत प्रोग्राम के अनुसार हमने अपना गैस सीजीडी पाइपलाइन सिटी गैस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अच्छा, सिटी गैस में बिकता है आपका गैस? यस सर, यस सर। आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पे भारत सरकार की ओर से आयोजित किया गया इस कार्यक्रम में मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को स्वागत करता हूँ, जिन्होंने पिछले 7 सालों में विश्व स्तर पे एक नेतृत्व की स्थान अपने सामूहिक प्रयास से, देश की कलेक्टिव इफोर्ट से एक स्थान प्राप्त किया है। ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का मैं स्वागत करता हूँ। आज के कार्यक्रम में उपस्थित केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी, केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर जी, श्री पीयूष गोयल जी, देश भर से जुड़े हुए अनेक किसान भाई और बहनों, भारत सरकार की तथा अनेक राज्य सरकारों की अधिकारी मित्रगण,
मैं फिर आप सभी को आज विश्व पर्यावरण दिवस पे स्वागत करता हूं। इस बार विश्व यूएन ने रीइमेजिनेशन, रिक्रिएट, रिस्टोर ऐसे एक महत्वपूर्ण थीम को अपनाया है, जिसकी साक्षात प्रैक्टिस, साक्षात जीता जागता उदाहरण हमारी देश की नीतियां हैं, हमारी देश की प्रैक्टिसेस हैं। पिछले 7 साल में अगर हम थोड़ा क्षण भर पलट के देखते हैं, पिछले 7 साल में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ऐसे अनेक कदम उठाए गए हैं, पॉलिसी के स्तर पे, इंसेंटिव देने के स्तर पे, इसको प्राथमिकता बनाने के स्तर पे, ऐसे जैसे संगठन को खड़ा करके विश्व नेतृत्व लेने की ग्लोबल लीडरशिप के स्तर पे, सोलर एनर्जी हो, विंड एनर्जी हो, बायोफ्यूल्स हो, बायोगैस हो, एथेनॉल हो या जैव खेती हो, ये सारा विषय में करते करते आज हम भारत में ऊर्जा खेती इस प्रकार की एक इनिशिएटिव लिए हैं। शायद विश्व में इस प्रकार की मॉडल आने वाले दिनों में विश्व को प्रेरित करेगा। इसको प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक जन आंदोलन की रूप दिया गया है। तो जैव फ्यूल बा जैव ईंधन उत्पादन क्षेत्र में भारत आगामी दिन में गोटे बड़ भूमिका नवाकू जाउची। आज परिवेश दिवस अवसर में एक प्रधानमंत्री सूचना देखते, केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान एक सूचना देखते। आगु रही अन्य खबर कितु समय गोटे छोट विरतर। एथर ठिक समय ओडिशा छुईपारा दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु, केरल को 2 दिन विलंब में मौसुमी आगमन होता सुधा ओडिशा को आगमन में विलंब होना। आसंता 11 तारीख में उत्तर बंगोपसगर यार आखपाख अंचल एक लघुचाप बलय सृष्टि मौसुमी को सक्रिय कर। ओडिशार अधिकांश जिला समेत पश्चिमबंग, सिक्किम, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ समेत महाराष्ट्र किसी अंचल मौसुमी सक्रिय होती भारतीय पाणीपाग विभाग महानिर्देशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र। बंगोपसगर लघुचाप मौसुमी को त्वरान्वित कर और बल जोगाइब, फल स्वाभाविक समय ओडिशा को मौसुमी आगमन हो। 11 तारीख में लघुचाप जो राज्य में 9 तारीख आड़क वर्षा आरंभ हो, 10 तारीख को मौसुमी सक्रिय हो और राज्य में भल वर्षा हो पाए। केरल छुईवा पर दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायुर आगमन कौन रोचे ओडिशा केबे हिट कर भारतीय पाणीपा विभाग पक्षर आकलन करनेक अधिक आलोचना करवा। आम सहित महानिर्देशक अच्छा मृत्युंजय सार, सर सर्वप्रथम अर्गस न्यूज चैनल को स्वागत करी। सर जो भाव आप आकलन करा सठिक समय पहुँची पारे तार सर किसी एक्जाक्ट फिगर ए जाए मिले कि आप एपर्तंत आम आगु जहाँ से बजाय रखीचु जे मौसुमी वायु साधारण बेगरे जमी आग को अग्रसर होता है ए वर्ष अग्रसर एवं जो साधारण तारीख रे अर्थात 10 रु 12 तारीख मध्य ओडिशा निकट में मौसुमी पहुँची थाए ए वर्ष से ओडिशा निकट में पहुँचो से ही समय गोटे लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होगा। आम 2 दिन तेज़ कही 11 तारीख पखापाखि गोटे लघुचाप क्षेत्र उत्तर बंगोपसगर सृष्टि हो सहित मौसुमी वायु ओडिशा आसी पहुँचो। सर जेहेतु निकटे गोटे बात्या जाइए पुणी गोटे लघुचाप आसी तो बन्या स्थिति से भाई उत्पन्न हो पारे खास कर चाष क्षेत्र पर जितेबाला कौन गोटे लघुचाप क्षेत्र मौसुमी वायु समय ओडिशा उपकूल निकट आसी था प्रबल रु अति प्रबल वर्षा होता है तेणु ए प्रबल रु अति प्रबल वर्षा ओडिशा हबार संभावना रही। तो सर जदि 10 रु 12 तारीख मध्य ओडिशा छुँची ओडिशा तटवर्ती अंचल छुँची तो आगामी दिन में जो आग को स्टेट गुड़िक रही बेंगल, झारखंड हो बा दिल्ली एनसीआर कथा जी कह ये सब राज्य में केवे सुधा सेमती पहुँचार आकलन कि बर्तन आम आकलन यह कर 13 तारीख सुधा आपण नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ईस्ट इंडिया और सेंट्रल इंडिया किसी अंश में मौसुमी वायु प्रवेश कर एवं विशेष भाव जना पड़ धीरे धीरे जिते मौसुमी पहुँचे आपंकर उत्तर बंगोपसगर पाखे से अठिक सठिक भाव कह के राज्य के पहुँचो किंतु यह निश्चित जे आपणकर जो आम कह जो लो प्रेसर सिस्टम डेवलप हो मौसुमी वायुर अग्रसर में हेल्पफुल हे एवं यह पूर्व भारत में मौसुमी प्रवेश को साहय कर। सर जो भाव चाष क्षेत्र सब वर्ष मौसुमी आसे भारतीय पाणीपाग विभाग को चाषी मैंने अनई बसंती तो सर जेहेतु मौसुमी आसी पुणी थर लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होती तो ओडिशा चाषी मान सर कौन मेसेज रहा
ମୌସୁମୀ ବାୟୁରେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଦୁଇଟା ଅଲଗା ଜିନିଷ ନୁହେଁ। ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ମୌସୁମୀ ବାୟୁର ପ୍ରଭାବ ହେତୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଲଘୁଚାପ ମଧ୍ୟ ମୌସୁମୀ ବାୟୁକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ସାଧାରଣତଃ 13 ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ସମୟରେ ଜୁନ୍ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ। ତେଣୁ ଏହା ଶୁଭ ଲକ୍ଷଣ ଯେ ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ଜୁନ୍ ମାସରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଯାହା କହିଥିଲୁ ଯେ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭଲ ବର୍ଷା ରହିବ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ନିଶ୍ଚୟ ଏହି ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଫଳରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ବର୍ଷା ରହିବ ଏବଂ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଉପକୂଳ ମାନେ ଅନୁକୂଳ ରହିବ, କାରଣ ଏହା ଆମର ଯେଉଁ ଧାନ ବୁଣିବା ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହାୟକ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବର୍ଷା କଥା କହିଲେ, ହଁ ନିଶ୍ଚୟ ବର୍ଷା ନିକଟରେ ହୋଇଯାଇଛି, ବିଶେଷତଃ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଇ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟାଟି ଯାଇଛି, ତାହାପରେ ଇଏ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ରଟି ଆସୁଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ହେବାର ରହିଛି, ପ୍ରବଳ ପ୍ରତିପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ସାର୍, ଯେଭଳି ଭାବେ କି ଯେଉଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଏ କି ବନ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଏ। ଯେହେତୁ ସାର୍ 11 ତାରିଖ ରହିଛି, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ହାତରେ 5-7 ଦିନ ରହିଛି, ତ ସାର୍ କେବେ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କହିପାରିବା କେତେ ମାତ୍ରାରେ ବର୍ଷା ହେବ, ମାନେ ଅତି ପ୍ରବଳରୁ ପ୍ରବଳ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ରହେ କେତେକ ଜିଲ୍ଲାରେ, ସେ କଥା ସାର୍ କେବେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବ? ଯେତେବେଳେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏହାର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅଧିକ ସଠିକ୍ ହେବ, କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ କେତେ ପରିମାଣରେ ବର୍ଷା ହେବାର ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଗୋଟେ ପୂର୍ବ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହି ଆକଳନ ନିଶ୍ଚିତ ମାନେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କେସ୍ରେ ସହାୟକ ରହିବ। ଏବଂ ବନ୍ୟା କଥା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ୱାଟର କମିଶନକୁ ମଧ୍ୟ ଇଏ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦିଆଯାଉଛି, ସେମାନେ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ୟା ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ବୋଧେ ଅଧିକ ବର୍ଷା, ସାଧାରଣତଃ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଯେଉଁ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ସେଥିରେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆପଣ ଶୁଣିଥିଲେ IMD DG ଆମ ସହିତ ଥିଲେ, ଯିଏକି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ରଖୁଥିଲେ ମତ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ 11 ତାରିଖରେ ଯେହେତୁ ଲଘୁଚାପ ରହିଛି, ହିତ୍ କରିବ ବା ତା'ର ପ୍ରଭାବ ରହିବ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ 9-10 ତାରିଖରୁ ହିଁ ଆଉ ଟିକେ ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ଯେ କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅତି ପ୍ରବଳରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ନଦୀଲୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ନିରୋଜ ସହିତ ଗଗନ ଅର୍ଗସ ନେଉଛି। ଆଉ ରହିଛି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖବର, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବିରତିର। ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ପାଲ୍ଲହଡ଼ାର ଦବଙ୍ଗ ବିଧାୟକ ମୁକେଶ ପାଲ ଏଥର ନିଜ ଦଳର ସାଂସଦଙ୍କୁ ଘେରିବା ସହ ସମର୍ଥକଙ୍କୁ ଲଗାଇ ଧମକ ଦେବାର ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ମୁକେଶଙ୍କ ବିରୋଧରେ। କୋଭିଡ୍ କେୟାର ସେଣ୍ଟର ଉଦ୍ଘାଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ସାଂସଦ ମହେଶ ସାହୁଙ୍କୁ ବିରୋଧ ଘେରାଉ କରି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ମୁକେଶ ପାଲ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ଯିବା। ରାଜ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଠିକାଦାର ସଂଘର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଓ କର୍ମଚାରୀମାନେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା TPCODL ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ TPCODLର CEOଙ୍କୁ ଘେରିଛନ୍ତି। ଟାଟା ପାୱାର କମ୍ପାନୀ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗକୁ ନେବା ପରେ ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ନିବୃତ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ଫଳରେ ରାଜ୍ୟର ହଜାର ହଜାର ଠିକାଦାର ଓ ତାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ହତାଶ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଜି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜଗତସିଂହପୁର କଟକ ଯାଜପୁର ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାର ଶତାଧିକ ଠିକାଦାର ସିଇଓଙ୍କୁ ଘେରିଛନ୍ତି। ଉତ୍ତେଜନା ପରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଟାଉନ୍ ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ପ୍ରତିବାଦ ଆଜ୍ଞା, ସିଓ ଆମର ଗୋଟେ 6% କାମ ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ସେ ସ୍କିମ୍ରେ କନଜ୍ୟୁମରଙ୍କଠୁ କାମ ଆଣୁ ଏବଂ ଆମେ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ହୁଏ ତା ବଦଳରେ 6% କନଜ୍ୟୁମର ଡିପୋଜିଟ୍ କରେ। ସେ 6%ରେ ଯେଉଁ ଡିପୋଜିଟ୍ କରେ ତା ବଦଳରେ ସେମାନେ ଯାଇକି ସେ ତାଙ୍କ ଡିସ୍କମର ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀମାନେ ସେଇଟା ତଦାରଖ କରନ୍ତି ଯେ କାମଟା ଠିକ୍ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ, ଠିକ୍ ମେଟେରିଆଲ୍ ଲାଗୁଛି ନା ନାହିଁ। ଆଉ ତା ବାଦେ ସେ କଞ୍ଜୁମର ସ୍ୱାଧୀନତା ବି ପାଇଥାଏ, ଧର 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ହେଲା, ସେ କାମଟାକୁ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ କରେ ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟକୁ ଦିଏ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ବେସିସ୍ରେ ଦିଏ 1 ଲକ୍ଷ କରିକି। ତେଣୁ ଇଏ ଟାଟା ନେଲା ପରେ କ'ଣ ହେଲା, ଆସନ୍ତା ଗଲା ଦୁଇ ତାରିଖରେ ଏମାନେ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେଶ ନାମକ ଗୋଟେ ଲେଟର୍ ଇସ୍ୟୁ କଲେ ଯେ ସେ 6%ଟାକୁ ଏମାନେ ଉଠାଇଦେଲେ, ଯେଉଁଟାକି OARC ରେଗୁଲେସନ୍ରେ ଆମକୁ ସେମାନେ କାମ ଦେଇଥିଲେ, ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ କାମ କରୁଥିଲୁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମକୁ ଲାଇସେନ୍ସ ଦେଇଛି, ସେ କାମଟା ସେ ଅର୍ଡ଼ର୍ଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲା। ଇଏ ସେଇଟାକୁ ଭାଓଲେସନ୍ କରିକି ସେ ସ୍କିମ୍ଟାକୁ ଉଠାଇଦେଲେ। ଉଠାଇଦେଲା ଫଳରେ ଆମେ ଯେଉଁ 5,000 କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଅଛୁ, ସବ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର 5,000, ତା ସହିତ ଆମ ଲେବର ଏମିତି ହେଇକି 2 ଲକ୍ଷ ଟ୍ରେଡର୍, 2 ଲକ୍ଷ ଫ୍ୟାମିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଫେକ୍ଟେଡ୍ ଅଛୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସେ ଯେଉଁ 6% ସ୍କିମ୍ଟାକୁ ସେମାନେ ଉଠାଇଦେଲେ ସେଇଟାକୁ ତୁରନ୍ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରାଯାଉ ଏବଂ ଆମକୁ ଏ ଯେଉଁ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ କୋଭିଡ୍ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛୁ, ତା ଫଳରେ ସେମାନେ ଆସିକି ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆମ ପେଟକୁ ଲାତ ମାରିବା, ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ସମୀଚୀନ ଆମେ ସିଓଙ୍କୁ ପାଉନଥିଲୁ, ଦେଖୁଥିଲୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଥିଲେ, ଆଜି ଖବର ପାଇଲୁ କ'ଣ ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ତେଣୁ ଆମେ
केन्द्रापड़ा खबर पाइलु आम आसू आज देखा करूँ सीओंक जो आमको लिखित भाव जानतु से कहीं 6% कामटा को बंद कले आम रिक्वेस्ट करूँ कंटिन्यू करूँ आम पेट पाटा कथ आम 2 वर्ष है कोविड्रे हईराण करूँ तेणु आम रिक्वेस्ट करूँ आपण मध्यम आमर से जीवन जीविका फेरे दिंतु आमको काम करने को सुजोग दिखाई समय खबर को बर्तमान ये रखा नमस्कार।